रियासत मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहरी बल्दी इलेक्शन में शानदार मुजाहिरा करते हुए 7 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों और पार्टी कारकुनान ने जीत पर जश्न मनाया। पहले तो मैं ओवैसी साहब का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे खरगोन में पार्षद पद के लिए टिकट दिया, और वार्ड 2 के सभी जनताओं से मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे पार्षद वहाँ का बनाया, और मैं उनकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। जो भी वो मुझसे चाहते हैं वो सारे काम मैं करूंगी, चाहे वो पानी का हो, सड़कों का हो, लाइट का हो, गटरों का हो, सभी चीजें में। आप ओवैसी जी को किस तरीके से देखते हैं? आप उनकी पार्टी में गई अचानक, क्या उनमें इसे अच्छा ही देखी? सबसे पहले तो वो संविधान की बातें करते हैं और समानता की बातें भी करते हैं, तो मैं संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, तो बाबा साहब के तो हम पहले से ही बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी की हूँ, इसी वजह से मैं इस पार्टी में आई हूँ कि वो समानता की बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा उपाध्याय, वार्ड नंबर 2 से मैं जीती हूँ।